नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। मजदूर संगठनों ने सरकार से चार श्रम संहिताओं की क्रियान्वयन पर रोक की मांग की। ट्रैक्टर परेड में किसान नेताओं ने वैकल्पिक मार्ग के सुझाव को खारिज किया। तांडव के कुछ दृश्य हटाए गए पर वेब सीरीज का संकट गहराया। अर्णव प्रकरण पर चुप्पी क्यों। और कोरोना अपडेट में देश में पिछले 24 घंटों में 15,223 नए मामले, 151 मरीजों की मौत। देश के 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने संयुक्त मंच ने बुधवार को सरकार से चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और इस पर फिर से चर्चा करने की मांग की है। आपको बता दें कि पूरे देश में लागू श्रम कानूनों को समेकित करने और उनमें संशोधन करने के लिए बनाए गए 3 लेबर कोड को विपक्ष के विरोध के बावजूद मंगलवार 22 सितंबर 2020 को लोकसभा में पास कर दिया गया था और बुधवार 23 सितंबर को विपक्ष की गैर मौजूदगी में राज्यसभा में भी इसे पारित कर दिया था। इन कोड्स या संहिताओं में औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल हैं। इसके अलावा वेतन संहिता 2019 पहले से ही पारित हो चुका है। ये सभी श्रम संहिताएं लेबर कोड्स 44 मजदूर श्रम कानूनों का स्थान ले रहे हैं। मजदूर संगठन इसका शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं और इसे मालिकों के पक्ष और मजदूरों के खिलाफ में बता रहे हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही किसान यूनियनों ने 26 जनवरी को प्रस्तावित अपनी ट्रैक्टर परेड के लिए वैकल्पिक मार्ग के सुझाव को बुधवार को खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के व्यस्त बाहरी रिंग रोड के बजाय कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आयोजित करने का सुझाव दिया था, जिसे किसान यूनियनों ने अस्वीकार कर दिया है। यूनियन नेताओं और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस बलों के अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित रैली के मार्ग और प्रबंधों पर चर्चा करने के लिए विज्ञान भवन में मुलाकात की थी। विवादास्पद वेब सीरीज तांडव से 2 दृश्य हटा लिए गए हैं। इस बीच मुंबई उच्च न्यायालय ने तांडव के निदेशक अली अब्बास जफर, अमेजन प्राइम इंडिया के प्रमुख अपर्णा पुरोहित और निर्माता हिमांशु मेहरा और सीरीज के लेखक गौरव सोलंकी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। उन्हें 4 हफ्तों के लिए यह राहत दी गई है ताकि वे लखनऊ स्थित एक संबंध अदालत का रुख कर सकें। सीरीज में धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर लखनऊ में उनके खिलाफ एक प्राथमिक दर्ज की गई है। अर्णव गोस्वामी पार्थो दास गुप्ता संवाद के सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा, राजनीति और राजनीतिज्ञों को लेकर ढेर सारे तथ्य सामने आए हैं। इनमें से कुछ तो बहुत भयावह हैं। सरहदी इलाकों में हमारे सैनिकों की शहादत अर्णव जैसे कुछ बड़े लोगों के लिए बड़ी कामयाबी की गारंटी है। देश की सुरक्षा से जुड़े टॉप सीक्रेट सत्ता के शीर्ष लोगों के जरिए अर्णव के यहाँ पहुँचते रहे और अर्णव उनका इस्तेमाल अपने धंधे और सत्ताधारियों के सियासी, खास तौर पर चुनावी फायदे के लिए करते रहे। कौन जाने अर्णव के यहाँ से वे टॉप सीक्रेट कहाँ गए होंगे। अनेक पत्रकारों, निर्दोष कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के विरुद्ध धड़ल्ले से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इस्तेमाल करने वाली सत्ताओं को बताना चाहिए कि अर्णव गेट के बारे में वे मौन क्यों हैं। क्या भारत का सिस्टम नियम कानून से नहीं सिर्फ कुछ लोगों की मर्जी से चलाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही सवाल उठा रहे हैं उर्मिलेश, आइए सुनते हैं उन्हें। बालाकोट हम सब जानते हैं उसमें क्या हुआ था। बालाकोट के मामले में 26 फरवरी 2019 को ये घटना है और अर्णव साहब को 23 फरवरी को सब मालूम हो गया, यानी 3 दिन पहले उनको मालूम है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो पार्थो दास गुप्ता से कहते हैं कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो वो कहते हैं क्या दाऊद, यानी उनका इशारा है कि क्या दाऊद को अरेस्टिंग होगी, क्या दाऊद को स्ट्राइक करके लाया जाएगा, मतलब उनका ये संभावना एक रही है। वो बोलते हैं नहीं, पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, नॉर्मल से बड़ा। इसी तरह से आर्टिकल 370 के बारे में उनको पहले से मालूम है, जो बात संसद को नहीं मालूम है, लोग बताते हैं बहुत सारे मंत्रिमंडल के लोगों को भी नहीं मालूम है, वो अर्णव गोस्वामी को मालूम है, वो ये दावा कर रहे हैं। अब ये कोई शेख चिल्ली तो है नहीं, ये कोई शेखी तो नहीं बघार रहे हैं, सचमुच उनको मालूम है, क्योंकि जो तथ्य वो देते हैं और जिस तरह के वो प्रोग्राम पेश कराते हैं अपने चैनल पर, उससे भी लगता है। और यही नहीं, वो ये भी साबित करता है पार्थो दास गुप्ता और उनकी बातचीत कि उनका वाकई बहुत ज्यादा उनकी गहरी पैठ है सिस्टम में और सिस्टम को चलाने वाले दफ्तरों में।
वो पीएमओ का नाम लेते हैं, वो एएस का नाम लेते हैं, वो ऐसे बहुत सारे नाम लेते हैं। इन नामों के क्या मतलब है भारत की सियासत में, मीडिया में सभी जानते हैं। उनको पार्थो दास गुप्ता ये भी कहते हैं कि क्या वो मुझे पीएमओ में एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, और वो पॉजिटिव ढंग की बात करते हैं, ठीक है हम देखेंगे वगैरह। इसी तरह से अर्णव गोस्वामी का एक जो मसला आता है, राज्यवर्धन राठौर जो उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में थे, कि किस तरह उनके खिलाफ जो शिकायतें आई थी अर्णव गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ, कैसे उसको डस्टबिन में डाले, ये वो बात कहते हैं, ये भी साबित होता है। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प बात उभर कर सामने आती है कि जो अर्णव गोस्वामी को माना जाता था या माना जाता है अभी भी कि वो मौजूदा यानी बीजेपी जो सत्ता चला रही है, तो जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग हैं या सत्ता प्रतिष्ठान के करीबी लोग हैं, उनके प्रति उनका भी जो रवैया है, रुख है, अप्रोच है, एटीट्यूड है, वो वैसा ही होगा जैसा सबका होता है, एक बिरादराना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के बारे में उनकी जो टिप्पणियां हैं न केवल अपमानजनक हैं बल्कि उनमें विद्वेष भरा हुआ है। अब अरुण जेटली साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके अस्वस्थता के दौरान उनके बारे में निगेटिव ढंग की बात कभी नहीं करता सुना गया, कोई भी नहीं करता। कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी सज्जन आदमी अपने राजनीतिक, अगर आपसे कोई किसी की असहमति है तो उसके बारे में कोई अशोभनीय बात, अशुभ बात नहीं कही जाती। लेकिन ये सज्जन क्या टिप्पणी करते हैं अरुण जेटली के बारे में, वो इस पूरे के पूरे चैट से सामने उभर कर आती है। उनकी जिंदगी को कुछ दिन का बताते हैं, ये बात क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को कहनी चाहिए? दूसरी बात, इसमें वो कंगना रनौत जिनके नाम पर न जाने कितना सारा उन्होंने शो किया होगा और पूरे देश के जो दर्शक हैं, हालांकि केवल उन्होंने नहीं, न जाने कितने चैनलों ने कितने दिन तक चलाया, कितने आईबॉल्स कैच किए, उसकी कोशिश की, लेकिन कंगना रनौत के बारे में जो उनके तरह तरह की बातों को लेकर, खासकर जो फिल्मी दुनिया में बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज रही हैं व्यक्तिगत किस्म की, उनके बारे में ओछी टिप्पणियां करते हैं। और तो और, वो सज्जन प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री, उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके अज्ञान के बारे में, उनकी मूर्खता के बारे में, ना जाने क्या क्या बातें कहते हैं। तो ये साबित करता है कि ये जो एरोगेंस है, ये जो अंदर का विद्वेष है, कैसे उभर कर सामने आता है। लेकिन अर्णव गोस्वामी को जो लोग जानते हैं वो लोग बताते हैं कि अर्णव गोस्वामी ऐसे शुरू से नहीं थे। तो ये जो एक दिमागी तौर पे जो ये बदलाव है सोच में, संवेदना में, एक मनुष्य के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में, उसमें जो इतना बड़ा बदलाव है, उसके पीछे कहानी क्या है? क्या सिस्टम का आदमी और सत्ता प्रतिष्ठान में सर्वोच्च जो सिंहासन है उस तरह के लोगों के इर्द गिर्द रहने का क्या ये खामियाजा है? क्या मतलब है इसका? फिर सत्ता के शीर्ष पर जो लोग हैं, क्या उनके प्रति भी अगर वो किसी अन्य भूमिका में आ जाते हैं, क्या उनके दिन बदल जाते हैं, तो फिर क्या यही रहेगा इनका अप्रोच जो आज है? बड़े सवाल उठते हैं। इसका मतलब कि ये केवल सत्ता, केवल क्लाउट, केवल टीआरपी, केवल पैसा, केवल अपनी हैसियत को बाजार में बरकरार रखने का मामला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 21 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,223 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से आज 151 मरीजों की मौत भी हुई है।
हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 19,965 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 4,893 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,10,883 हो गई है, जिनमें से 1,52,869 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से 1,02,65,706 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.81%, यानी 1,92,308 रह गई है। देश में अब तक 8,06,484 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें से 1,31,649 वैक्सीन पिछले 24 घंटों में ही लगाई गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 18,93,47,782 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 7,80,835 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और डिटेल्स में जानने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट newsclick.in और हिंदी वेबसाइट hindi.newsclick.in। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। हमें फॉलो कीजिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।